हाय फ्रेंड, नमस्कार। देखिए, यह आपके मोबाइल स्क्रीन पे या कंप्यूटर चला रहे हैं उसके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, ध्यान से देखिए सर। ये सवाल सॉरी, देखिए, तीन ट्रायंगल यानी तीन त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज में कुछ इस प्रकार से संख्या पुट अप रखी गई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि 3, 1, 2 और बीच में 0 दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 3, 1, 6 बीच में 8 दिया गया है। तीसरे वाले ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि 3, 4, 2 और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आप ऑप्शन देख सकते हैं, यानी कि विकल्प देखिए। पहले में -2 दिया है, दूसरे में -6 दिया है, तीसरे में -3 दिया है, चौथे में 0 दिया है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे, क्या लॉजिक लगेगा सर? अगर आप इस सवाल को लगा सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो कहीं रोकिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। सर, आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इन नंबरों पे भेजेंगे सर। 7311170787 दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन विदाउट एनी रीजंस you can send me on that number. This is my WhatsApp and this is also my personal number. If you want to talk with me, so then you can call me anytime, anyway. 73111, you can say 3 times 1, and 70787, you can send your questions and I will shortly time to take, I will give you a response and immediately answer. Okay, thank you. So listen to carefully, this is the good question. 3 triangle you are showing here right now, and the number are 3, 1, 2 and in between 0, 3, 1, 6 in between 8, 3, 4, 2 in between question mark. What will be here the number? Options are -2, -6, -3, and fourth and last option is 0. What is the right answer? How can solve the question? Please take carefully and absolutely in what the video. तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ सर। देखिए सर, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से आपको देखते जाना है। आप रोकेंगे और मुझे बताएंगे, आप लगाएंगे तो मज़ा आएगा यार। क्वेश्चन में जान है भाई, बंदे ने बताया। देखो भाई क्या है, कुछ नहीं है, करते हैं, कोशिश कर डालिए आप, उसके बाद मुझे बताइएगा कि लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, कितने समय में लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप अगर दोस्तों 15 से 20 सेकंड में लगाएंगे तो ही ठीक है, नहीं तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के एग्जाम में आगे बढ़ जाने का। देखिए सर, लॉजिक क्या है, आप इसे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं कैसे लगाया हूँ, देखिए यहाँ पर जो दिया है 2 दिया है, 2 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2 नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इसी नंबर को मल्टीप्लाई किया है, या आप अलग से 2 ले सकते हैं। पहले लॉजिक समझिए, मतलब 2 से हमने 2 को सर मल्टीप्लाई किया है, माइनस अब बीच में जो ये 2 वाली संख्या हमने जोड़ा है, 1 + 3 जोड़ दीजिए। करना क्या है सर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी वाली एक और संख्या से। तो देखिए लॉजिक ये बैठता है कि नहीं, आप उन चेक करेंगे, फिर ये दोनों का प्लस करके करिए। देखिए सर, अभी देखिए 2, 2 = 4, यानी 2 × 2 = 4, माइनस 1 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0। देखिए सर, 0 आ गया। क्या वही लॉजिक यहाँ पे भी फिट होगा? अगर 2 को यहाँ पे 2 से करेंगे या उसी संख्या से करेंगे तो गलत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 से हमने गुणा किया, यहाँ पे 6 है, अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 36 हो जाएगा, और 3, 1, 4 घटाएंगे तो 32, चूँकि 32 नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन सर फेल हो जा रहा है। तो मेरा मानिए, मैंने क्या किया, 2 अलग से मैंने नंबर लेकर के गुणा किया है। जैसे समझने की कोशिश करिएगा सर, 2 है तो मैंने 2 अलग से ऐड किया है गुणा करने में, तो 2 × 4 तो सर यहाँ पे देख सकते हो, वह मैं विस्तार के रूप में लिखा हूँ, 2 × 2 माइनस चिन्ह लगाया हूँ, क्योंकि ये लॉजिक सर बैठाना पड़ता है, आप समझ पा रहे होंगे। 2 × 2 माइनस 1 + 3, यानी कि 2 × 4 और 3, 1, 4, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे आप 6 से नहीं करेंगे, जैसे मैंने 2 से किया तो 2 से गुणा किया, यानी इसी संख्या से नहीं, 2 को अलग से करना होगा। जैसे इसमें आप समझ पाएंगे, इसको करूँगा तो मैं आप समझ जाएंगे। दूसरे वाले में मैं इधर ही बता रहा हूँ सर, देखेंगे 6 है तो हम लोग 6 से 2 में गुणा कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस है, अब बीच में देखिए 1 + 3 है तो ये संख्या को हम लोग दोनों संख्या को जोड़ लेंगे। चाहे तो आप ए बी सी ऐसा नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 1 जोड़ेंगे तो भैया 3 + 1 यहाँ पे भी जोड़िए, देखिए भाई 6 × 12 माइनस 3, 1, 4 हो जाएगा, और 12 में से 4 घटेगा तो 8, और 8 देखिए सर है, लॉजिक बैठ गया। वही लॉजिक सर इसमें बिठा लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से लग जाएगा। पहले तो आप इसे
टू से गुणा कर लीजिए, यहीं पे कर लीजिए, जाने दीजिए टू का टू से। यानी आप ये मत कहिए कि यहाँ पे टू का इसी संख्या से गुणा, मैंने टू को अलग से किया। देखिए सर, अगर यहाँ पे टू अलग से मतलब इसका इसमें करते तो छः है, तो छः का छः में करते, समझ पा रहे हो? टू का टू में करेंगे तो फोर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे चूँकि यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे विस्तार के रूप में लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए, टू गुणे सर टू माइनस कोष्टक में थ्री प्लस फोर रख दीजिए, थ्री प्लस फोर। अब सर सॉल्व कर दीजिए, टू टू या फोर यानी दो दूना चार, माइनस चार तीन सात, तो घटाएंगे तो चार में से माइनस सात तो घटेगा नहीं, ऐसे घटा लेंगे तो चार तीन सात होता है, चार तीन सात यानी कि माइनस तीन आ जाएगा सर, क्योंकि घटेगा तो लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब हम लोग पढ़े ही हैं ऋणात्मक और धनात्मक, तो माइनस थ्री इज द राइट आंसर, यानी कि माइनस थ्री इसका उत्तर होगा मेरे हिसाब से। ये आप लोग देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ये सही है सर। अमित भाई आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, अमित जयपुर से आप भेजे थे क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा सर, कमेंट कर दीजिएगा समय मिलेगा, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और साथी के सवाल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, कारण था सर मेरा चैनल ब्लॉक हो गया था, उसे मैं कल खुला आप नहीं आता बहुत मेहनत करने के बाद। सर अगर आपका भी चैनल ब्लॉक हुआ हो तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हालाँकि कभी कभी रिचार्ज नहीं रहने की वजह से लगता नहीं सर, लेकिन आप हमें व्हाट्सअप कर दिया करिएगा तो मैं इधर से कॉल बैक कर लूँगा किसी अन्य नंबर से। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद सर।